दोस्तों, वॉशिंग मशीन एक बहुत ही ज़रूरी आइटम बन गया है सबके घर के लिए आज। लेकिन जब हम एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किन चीज़ों को हमें चेक करना है एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। ये वीडियो पूरी एक वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड है। वॉशिंग मशीन बहुत सारे टाइप्स की आती हैं। सबसे पहले टाइप की वॉशिंग मशीन है वॉशर ओनली वॉशिंग मशीन। ये कॉम्पैक्ट साइज़ की होती हैं क्योंकि आप इन वॉशिंग मशीन्स को किसी भी कॉर्नर में घर में एडजस्ट और फिट कर सकते हो। किचन में फिट कर सकते हो, बाथरूम में फिट कर सकते हो, किसी कमरे में फिट कर सकते हो, बालकनी में फिट कर सकते हो। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती हैं और सिर्फ वॉशर का ही काम करती हैं, कपड़ों को ड्राई करने का काम नहीं करती हैं। दूसरी टाइप की वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, कम पानी और कम बिजली कंज्यूम करती है, इसका बहुत ही लाइट वेट होता है और इस मशीन को आप घर में कहीं भी इजीली मूव भी कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन में आपको दो कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक कंपार्टमेंट वॉशिंग के लिए और दूसरा कंपार्टमेंट ड्राइंग के लिए। इस मशीन में आप दोनों फंक्शंस कर सकते हो, वॉशिंग का भी और ड्राइंग का भी। और सबसे अच्छी बात इस वॉशिंग मशीन की ये है कि इसके अंदर आपको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिस एरिया में वाटर क्राइसिस है, जैसे इस वक्त पे दिल्ली में बहुत वाटर क्राइसिस का इशू हो रहा है, तो इन एरियाज़ के लिए ये वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छी मानी गई है। तीसरे टाइप में आती है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इस मशीन में सारा काम ऑटोमेटिकली होता है और मैन्युअली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपने इसमें एक बटन दबाया और ऑटोमेटिकली मशीन सारे कपड़ों को धो देती है। इस मशीन को आप सिर्फ घर में उसी जगह पे फिट कर सकते हो जहाँ पे आपके पास एक वाटर इनलेट का कनेक्शन है, लेकिन ये मशीन बहुत ही कम स्पेस लेती है। इस मशीन में आपको 10 से 15 वॉशिंग प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं और आपको सिर्फ वन टब सिस्टम मिलता है, यानी कि एक ही टब में मशीन कपड़ों को धो भी देती है और ड्राई भी कर देती है। चौथे टाइप में आती है फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। ये सबसे एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। इसके अंदर आपको एक थर्मोस्टेट देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन से कम पानी और कम बिजली कंज्यूम करती है। इसके अंदर आपको 100 वॉशिंग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं कपड़े धोने के लिए। इस मशीन में कपड़ों को लोड करना बहुत आसान है। आपको फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट डोर मिलता है जिसमें आप कपड़ों को लोड करके मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपको एक टाइमर मिलता है कब आपको मशीन को स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है। आपको 30 टाइप के वॉशिंग प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं और आपको चाइल्ड लॉक फीचर भी देखने को मिलता है। पांचवे टाइप पे आती है ड्रायर ओनली वॉशिंग मशीन। ये सिर्फ ड्रायर का काम करती है, कपड़ों को धोने का काम नहीं करती है। ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन से ज़्यादा अच्छी तरीके से कपड़ों को ड्राई करती है। ऐसा माना जाता है कि ये कपड़ों की क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देती जब ड्राइंग का प्रोसेस करती है, और कपड़े ड्राइंग के बाद आपको बिल्कुल नए के बराबर देखने को मिलते हैं। वॉशिंग मशीन लेते वक्त आपको उसकी साइज़ और कैपेसिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए। साइज़ और कैपेसिटी आपको अपनी फैमिली साइज़ को देख के पता चलेगा। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनको चेक करके पता चलेगा। अगर आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं तो 6 किलो की साइज़ की वॉशिंग मशीन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो 8 किलो की मशीन लेना अच्छा रहेगा। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या बड़े साइज़ की फैमिली है तो 10 किलो की कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉशिंग मशीन लेते वक्त उसका ड्रम टाइप आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। ड्रम वो पार्ट होता है जिसमें वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती है। 2 टाइप के ड्रम्स देखेंगे आपको मशीन लेते वक्त, प्लास्टिक टाइप के ड्रम्स और स्टेनलेस स्टील ड्रम्स। प्लास्टिक ड्रम्स बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें बैक्टीरिया और जर्म्स का आना बहुत ही आसान होता है। स्टेनलेस स्टील ड्रम्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, रस्ट प्रूफ होते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही लंबी होती है। तो इन दोनों ड्रम्स में अगर आपको ऑप्शन मिलती है तो आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम की ही वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए। अगर आपको एक वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर का फीचर मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनबिल्ट हीटर वाटर के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है और गर्म पानी कपड़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से धोने की पावर रखता है और गंदगी को ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ करता है।
और विंटर सीजन में अगर आपकी मशीन में इनबिल्ट हीटर है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से धुलेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी ज़रूर चेक करना एक वॉशिंग मशीन लेते वक्त। अगर आपकी मशीन कम पानी कंज्यूम करती है, कम बिजली कंज्यूम करती है, तो लंबे रन में आपका पैसा वो ज़्यादा बचाएगी। इसलिए ऐसी वॉशिंग मशीन लेना जिसकी रेटिंग 4 या 5 स्टार तक की है। आजकल की वॉशिंग मशीन्स में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक इन्वर्टर मोटर देखने को मिलती है। ये इन्वर्टर मोटर कम बिजली कंज्यूम करती है, कम आवाज़ करती है और कम वाइब्रेशन करती है कन्वेंशनल मोटर से। तो अगर आपकी मशीन में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड ज़रूर चेक करना। स्पिन स्पीड मेजर होती है RPM से। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आपका जो ड्रम है वॉशिंग मशीन का कितनी रोटेशंस ले सकता है। जितनी ज़्यादा आपके वॉशिंग मशीन की RPM होगी उतनी तेज़ आपकी मशीन की स्पिन स्पीड होगी, और जितनी ज़्यादा स्पिन स्पीड होगी उतनी अच्छी तरीके से आपकी मशीन कपड़ों को ड्राई करने की पावर रखेगी। ज़्यादा RPM अगर आपकी वॉशिंग मशीन में होगा तो वो पानी को कपड़ों में से ज़्यादा तेज़ी से निकाल पाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से कपड़ों को ड्राई कर पाएगा। अगर आपके घर में बहुत ही डेलिकेट टाइप के फैब्रिक्स हैं जिनको आप मशीन में धोते हो तो 300 से 600 RPM वाली मशीन आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपके घर में या आप टफर फैब्रिक्स यूज़ करते हो, ज़्यादा हार्ड टाइप के फैब्रिक्स यूज़ करते हो जैसे जीन्स हो गए, तो आपके लिए 1000 RPM की मशीन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल की मार्केट में तो आपको 1000 से 1600 RPM तक की वॉशिंग मशीन्स भी मिल जाएंगी। वॉशिंग मशीन लेते वक्त उसके वॉशिंग प्रोग्राम ज़रूर चेक करना, क्योंकि अगर आपकी मशीन में ज़्यादा टाइप के वॉशिंग प्रोग्राम्स होंगे तो आप अलग अलग वेराइटी के कपड़ों को धो पाओगे अपनी मशीन में। कुछ अगर मैं वॉशिंग प्रोग्राम्स के नाम लूँ तो जैसे डेलिकेट वॉश, डेली वॉश, मिक्स वॉश, कॉटन वॉश, सिल्क को धोने के लिए भी एक वॉशिंग प्रोग्राम होता है, वुल के कपड़ों को धोने के लिए भी एक वॉशिंग प्रोग्राम होता है, ईजी केयर एक और टाइप का वॉशिंग प्रोग्राम होता है। तो जितनी ज़्यादा आपको वॉशिंग प्रोग्राम की ऑप्शंस मिलेंगी मशीन में उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा, उतनी आपकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होगी और आप ही का फ़ायदा रहेगा उसमें। तो दोस्तों, यही वो सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, इन सब चीज़ों को चेक करते हो, तो आप अपने घर के लिए एक बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर पाओगे, चूज़ कर पाओगे। अगर इस साल आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वॉशिंग मशीन के लिंक्स मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को पढ़ सकते हो और चाहो तो इन मशीन्स में से बेस्ट मशीन अपने लिए सेलेक्ट करके खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों, बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहा है और उसको आइडिया नहीं है कि किन चीज़ों को चेक करना चाहिए एक मशीन खरीदने से पहले, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।